कंप्लीटिंग और अप्लाइड इसमें हमेशा लड़ाई रहती है कि हम किसको चूज़ करें। तो बच्चे भी इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ इसी वजह से रहते हैं कि अप्लाइड में जाए या पेंटिंग में जाए। अब बहुत से बच्चे सोचते हैं कि हम अप्लाइड में जाएंगे तो हम मैनुअल भी सीख जाएंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट इन सीन। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो पेंटिंग और अप्लाइड होती है इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि पेंटिंग और जो अप्लाइड है उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, साथ साथ में उसमें क्या क्या जॉब ऑप्शन हैं, किस में आप जॉब ले सकते हो, और दूसरी चीज़ तीसरी जो लास्ट चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको दोनों में से कौन सी फील्ड चूज़ करनी है और कैसे चूज़ करनी है। क्योंकि बहुत से लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि हमें दोनों पसंद है पर हम दोनों में से किस में जाएं। कन्फ्यूजन उन्हें तो नहीं होगी, जिनको इंटरेस्ट होगा उन्हीं को होगी ना, जो दोनों पसंद करते हैं दोनों में से किसी एक को चूज़ करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, तो इस वीडियो में बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी, तो इस वीडियो को पूरा देखना एंड तक। सो सबसे पहले मैं थोड़ा बताता हूँ कि अप्लाइड और पेंटिंग होती क्या है। अप्लाइड जो होती है हमारी, जो अप्लाइड होता है, अप्लाइड के नाम से ही सुनने में लग रहा है, अप्लाइड यानी कि अपनी आर्ट को आप जहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो, किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई आपकी, एक तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग होता है इसके अंदर, और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, इसमें हम आगे हम बात करेंगे, ठीक है। अप्लाई मतलब कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। पेंटिंग जो होती है आपकी, इसको फाइन आर्ट्स भी बोलते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर आप जो पेंटिंग वर्क्स करते हो, ड्राइंग बनाते हो, आर्ट वर्क्स करते हो, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो एक बार दोनों को अच्छे से देख लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर क्या क्या, मतलब किस तरीके से ये अलग है। अप्लाइड में जो आपका काम होता है वो सारा का सारा आता है डिजिटल काम होता है, डिजिटल पेंटिंग हो गई आपकी, डिजिटल जो भी काम होता है कंप्यूटर वगैरह पे। इसमें आपको फोटोशॉप सीखना पड़ेगा, इलस्ट्रेटर वगैरह ये सब सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये सब हो गया एक तो आपका डिजिटल काम, जितना भी हो गया सारे टूल्स वगैरह मैंने आपको बता दिए वो सीखने होंगे। लोगो कैसे डिज़ाइन करना है, एडवर्टीजमेंट का सारा सिस्टम आता है इसके अंदर कि जो एड्स होते हैं एड्स कैसे बनाने होते हैं। प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए जो कंज्यूमर होता है उसकी साइकोलॉजी क्या होती है, वो कोई चीज़ क्यों खरीदता है। तो ये नहीं कि सिर्फ बनाना आ गया तो हो गया, उसमें थोड़ा बहुत ये एडवर्टीजमेंट की साइकोलॉजी भी पता होनी चाहिए। साथ में आपको इसमें फोटोग्राफी भी सीखनी होती है थोड़ी बहुत, कि प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी फोटोग्राफी कैसे करते हैं, ठीक है, उनकी वीडियोग्राफी वगैरह कैसे बनाते हैं। और बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो हम सीख रहे हैं उसमें एनिमेशन वगैरह का भी, एनिमेशन वगैरह भी होती है क्या? एनिमेशन नहीं होती, एनिमेशन का अलग से कोर्स होता है। तो एनिमेशन को इसमें मिक्स मत करो, एनिमेशन अलग है, ठीक है, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं है आपकी, मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग से थोड़ा सा रिलेटेड हो जाता है वहाँ पे। तो एक तो आपका ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। अप्लाइड में बेसिकली सारा आपको जो मेन फोकस होता है, जैसे पैम्पलेट पोस्टर्स बनाना हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, इस पर ज़्यादा फोकस होता है एडवर्टीजमेंट के ऊपर, लोगो डिज़ाइनिंग, ग्राफिक्स वगैरह कैसे बनाने होते हैं, ठीक है। ये सारा हो गया आपका, ये सारा अप्लाइड में आ जाता है। उसमें आपको एनिमेशन वगैरह, 3D एनिमेशन ये सब नहीं सिखाया जाता, वो अलग चीज़ है। तो ये आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग का हो गया। पेंटिंग में आपका सिर्फ पेंटिंग वाला होता है, मैनुअल वर्क जितने भी होते हैं ना, ट्रेडिशनल वर्क, ओल्ड पेंटिंग्स, कंटेम्प्रेरी आर्ट जो हो गई, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो हो गई, ये सारी चीज़ें आपकी पेंटिंग में आ जाती है। अब दोनों में हम देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों मतलब डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिया, तो देखते हैं जॉब्स के ऑप्शन क्या है। जॉब्स चलते हैं जॉब्स के ऑप्शन की तरफ कि जॉब्स में क्या क्या ऑप्शन होती है। देखो जो आर्टिस्ट होते हैं, जो पेंटिंग अगर आप फील्ड चुनते हो, तो पेंटिंग में आपकी क्या क्या जॉब्स होती हैं, पेंटिंग में आपकी जॉब्स होती हैं जैसे कि आप बन सकते हो आर्ट डायरेक्टर बन सकते हो, आर्ट टीचर बन सकते हो, फ्रीलांसिंग काम कर सकते हो। फ्रीलांसिंग काम दोनों में होता है, इसमें आप किसी की पेंटिंग वगैरह बनाना, पोर्ट्रेट वगैरह बनाना हो गया वो कर सकते हो, ठीक है। और जो वॉल पेंटिंग्स होती है वो कर सकते हो, ठीक है। आर्ट क्रिटिक बन सकते हो, ठीक है, गैलरी वगैरह में काम कर सकते हो आर्ट गैलरी में, साथ में आर्ट टीचर बन सकते हो, ठीक है, और साथ साथ में आर्ट एग्जीबिशंस वगैरह जो होती हैं उसमें पेंटिंग बेच सकते हो। कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट बन सकते हो, जैसे कि जो एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट बन सकते हो, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट बन सकते, इस तरीके के आर्टिस्ट बन सकते हो आप, अपना कुछ नया स्टाइल बना सकते हो पेंटिंग वगैरह करके। तो ये आपकी पेंटिंग में फील्ड्स की जॉब्स हो गई। अप्लाइड आर्ट में क्या क्या जॉब्स के ऑप्शन होते हैं। अप्लाइड आर्ट में बहुत ज़्यादा स्कोप होता है बेसिकली, उसमें बहुत ज़्यादा जॉब्स के ऑप्शन होते हैं, क्योंकि जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, कंपनीज़ तो कहीं बंद नहीं होने वाली ना, तो कंपनी जितनी भी होती हैं उनको अप्लाइड आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। उनको अपने पैम्पलेट बनवाने हैं, एडवर्टीजमेंट करवाना है अपना, ठीक है, ग्राफिक्स लोगो वगैरह ये सब करवाना है। UI होता है, UI डिज़ाइनिंग होती है, ठीक है, वेब डिज़ाइनिंग, बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइनिंग में आ जाती हैं वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी। अब इसके अंदर आपका क्या होता है, फोटोशॉप आपको सीखना पड़ेगा, इलस्ट्रेटर वगैरह ये सब तो सीखना ही पड़ेगा आपको, साथ साथ में आपको, ठीक है, कमर्शियल वर्क जितने भी होते हैं वो सारे करने पड़ते हैं, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइनर हो गया, फ्रीलांसिंग आर्टिस्ट इसमें भी बन सकते हो, प्रोडक्ट डिज़ाइनर हो गया, और जो पोस्टर डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, लोगो डिज़ाइन करते हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है। अप्लाइड आर्ट में अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी कि ग्राफिक डिज़ाइनर में क्या क्या ऑप्शन होते हैं। अब
हमें देखना है हमें कौन सी फील्ड चूज़ करनी है। मैंने ऑप्शन तो बता दिए, डिफेंस भी बता दिए कैसे कैसे क्या क्या होता है। अब देखो फील्ड चूज़ कैसे करोगे, फील्ड बेसिकली बहुत सारे पूछते हैं हम कौन सी फील्ड चुनें। सबसे पहले तो अपने आप से ये क्वेश्चन करो कि आपको कौन सी उसमें जाना है, मतलब किस चीज़ में इंटरेस्ट है आपका। पेंटिंग बनाना ज़्यादा मतलब ज़्यादा पसंद करते हो, और मैनुअल वर्क होता है बेसिकली पेंटिंग में, हाथ से सारा काम होता है पेंटिंग ये सब चीज़ें। और अप्लाइड में डिजिटल काम होता है, सारा डिजिटली काम होगा सारा का सारा, ठीक है। लेकिन उसमें मैनुअल काम भी होता है, तो अप्लाइड में जब आप करोगे तो उसमें मैनुअल काम भी करवाएंगे आपको, ऐसा नहीं सब कंप्यूटर से ही होगा, आपको हाथ से बनाना तो आना ही चाहिए। जब हम कॉलेज में जाते हैं तो जो फर्स्ट ईयर होता है ना, फर्स्ट ईयर में सब चीज़ें करवाते हैं, ठीक है। आपको स्क्रिप्चर भी सिखाएंगे, पेंटिंग भी सिखाएंगे, ठीक है, ड्राइंग भी सिखाएंगे, सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे, ग्राफिक्स वगैरह अप्लाइड्स का भी सिखाएंगे, तो वो आपकी बेसिक सारी नॉलेज कर देते हैं। बस सेकेंड ईयर से आपकी स्पेशलाइजेशन शुरू होती है, इसलिए ये 4 साल का कोर्स है BFA का, ठीक है। तो सेकेंड ईयर से असली चीज़ शुरू होती है आपकी स्पेशलाइजेशन, वो फिर डिवाइड हो जाएंगे, अप्लाइड वाले अलग चले जाएंगे, पेंटिंग वाले अलग अलग और स्क्रिप्चर वाले अलग, पहले सब साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको चूज़ करनी होती है, और फर्स्ट ईयर में भी ऑप्शन रहता है कुछ कॉलेज में कि आप अपनी जो है फील्ड वगैरह चेंज कर सकते हो। तो आपको किस में चूज़ करना है, ठीक है। अगर आप अप्लाइड, अगर आपको इंटरेस्ट है डिजिटल काम में, ठीक है, पेंटिंग वगैरह बनाना पसंद है पर आपको डिजिटल भी पसंद है, तो आप अप्लाइड में जा सकते हो। अगर आपको एडवर्टीजमेंट की नॉलेज है, आपको एडवर्टीजमेंट में मज़ा आता है तो, लेकिन अगर आपको बिल्कुल डिजिटल काम पसंद नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं पसंद है, तो आपको पेंटिंग में जाना चाहिए। बेसिकली अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देखना है, तो आपको अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ करना है उसको। प्लस आपने देख लिया आपका इंटरेस्ट किस में, हम देखते हैं स्कोप किस में। स्कोप सबसे ज़्यादा जो है वो अप्लाइड आर्ट में ज़्यादा है। अब उसमें स्कोप ज़्यादा है तो उसके अंदर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं है कि उसमें कंपटीशन नहीं है। पेंटिंग और अप्लाइड इसमें हमेशा लड़ाई रहती है कि हम किसको चूज़ करें, तो बच्चे भी इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ इसी वजह से रहते हैं कि अप्लाइड में जाए या पेंटिंग में जाए। अब बहुत से बच्चे सोचते हैं कि हम अप्लाइड में जाएंगे तो हम मैनुअल भी सीख जाएंगे और अप्लाइड भी सीख जाएंगे। अब बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हो के आप एग्जांपल देखोगे जिन्होंने अप्लाइड से करा हुआ है, ठीक है, अप्लाइड से करा हुआ है, लेकिन वो अब पेंटिंग कर रहे हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट पेंटिंग में था, तो उन्होंने अप्लाइड का काम भी सीख लिया। लेकिन ऐसा भी नहीं, क्योंकि कॉलेज में आपको इतना अपडेटेड तरीके से नहीं सिखाते हैं, आपको अपडेटेड तरीके से खुद से सीखना पड़ेगा। और एज एन आर्टिस्ट जब आप पेंटिंग में भी हो तब भी आपको अप्लाइड का काम सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर कहीं जॉब लेनी है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, ठीक है, बेसिकली जॉब सारी इसी में होती हैं, कंपनीज़ वगैरह ही एडवर्टीजमेंट वगैरह में इसी में आर्टिस्ट का यूज़ करती हैं वो, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो जॉब्स लेनी पड़ेंगी वो सारी आपकी इसी में जाएंगी। पेंटिंग में आप सिर्फ इलस्ट्रेटर वगैरह ये सब जॉब कर सकते हो, कॉमिक डिज़ाइनिंग जो होती है, ठीक है, और कॉमिक बुक्स बनाना, ठीक है, कार्टून डिज़ाइन करना, एनिमेशन वगैरह में जो कार्टून डिज़ाइन करते हैं स्केचेस से, स्केच आर्टिस्ट जो होते हैं उसमें आप पेंटिंग में जा सकते हो, जो मैनुअल वर्क है उसमें सारे में जा सकते हो। अप्लाइड में क्या होता है, आप डिजिटल और मैनुअल दोनों में जा सकते हो, तो दोनों तरफ के लिए रास्ते खुल जाते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछोगे क्या रिकमेंडेशन है, तो अगर मैं आपको रिकमेंड करूँगा तो मैं अप्लाइड बोलूँगा आपको कि आप अप्लाइड में जाओ, क्योंकि अगर आप पेंटिंग में जाते हो तब भी आपको अप्लाइड का वर्क सीखना ही पड़ेगा। अगर आपको आगे का जो टाइम आ रहा है उसके हिसाब से अगर आपको अपनी ग्रोथ करनी है, अपने आप को अपडेट रखना है, अप्लाइड में एक चीज़ हो रही है कि आपको दिन पे दिन अपडेट रखना पड़ेगा, क्योंकि अप्लाइड में नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, ठीक है, नई नई चीज़ें आती जा रही हैं, नए नए एडवर्टीजमेंट के वो डिज़ाइंस वगैरह आते जा रहे हैं, तो अपने आप को आपको हर दिन अपडेट करना पड़ेगा अप्लाइड में अगर आप जा रहे हो तो ये एक चीज़ होती है, ठीक है। और आप दोनों काम सीख सकते हो, तो मेरा रिकमेंडेशन यही होगा आपको कि अगर आपको दोनों में कन्फ्यूजन है तो आप अप्लाइड को चूज़ करो, उसमें आप मैनुअल और डिजिटल दोनों ही काम सीख जाओगे, और साथ साथ में आप अपना पेंटिंग का भी काम कर सकते हो बाद में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और जॉब अगर आपको नीड है जॉब की बहुत ज़्यादा, तो भी आप अप्लाइड चूज़ करो, क्योंकि अप्लाइड में जॉब का स्कोप जो है बहुत ज़्यादा रहता है, आपको ईजिली जॉब मिल जाती है अप्लाइड में अगर आप कर जाते हो तो अप्लाइड के ये कुछ बेनिफिट्स जो है पेंटिंग से थोड़े ज़्यादा रहते हैं। पेंटिंग में ये है कि आपकी स्किल ओवरऑल जो मैनुअल स्किल है वो ज़्यादा अच्छे से डेवलप होती है, आपकी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, पेंटिंग का कम्युनिकेशन कैसे करने हैं, एक्सप्रेशन कैसे देना, ये सारी चीज़ें आपको पेंटिंग में ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। सो आज के ज़माने के हिसाब से देखें तो अप्लाइड ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, तो मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से अगर आप चलोगे तो आप अप्लाइड चूज़ कर सकते हो। बाकी अपने आप इंटरेस्ट के हिसाब से देख सकते हो कि आपको किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है दोनों में से चूज़ करने के लिए, ठीक है। दोनों के फ़ायदे नुकसान सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। सो ये था आज का वीडियो, इस वीडियो में आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। अगर स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है, उसमें डिस्कस कर सकते हैं हम कि क्या क्या चीज़ें हैं।
साथ साथ में ठीक है और भी इस तरीके की और भी बीएफए से रिलेटेड वीडियोस वगैरह मैं डालता रहूँगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ज़रूर रखें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आगे और भी मज़ेदार और धमाकेदार वीडियोज़ आएंगी, सो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उन वीडियोज़ से मिलेंगी। और साथ में इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है, अपने सभी आर्टिस्ट दोस्तों के साथ शेयर करें और जो बीएफए में एडमिशन लेने वाले हैं उनके साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी अच्छे से नॉलेज हो इस वीडियो की, मतलब क्या चूज़ करना है पेंटिंग और अपराइट में से, उनकी कन्फ्यूजन दूर हो बेसिकली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लर्निंग।